जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपना रॉयस फिटनेस यूट्यूब चैनल में, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से रिलेटेड नई नई जानकारियां और नई नई टेक्निक। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं, ये रनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो लोग रनिंग में बिगिनर्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करके बिल्कुल लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो में बताया हुआ हर एक बातें इंपॉर्टेंट है। तो आप में से बहुत सारे लोग समझ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ स्टेमिना के बारे में, कि स्टेमिना आप कैसे बढ़ा पाएंगे ताकि आप रनिंग में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्टेमिना के बारे में दो लाइनें बोलना चाहता हूँ। स्टेमिना है क्या चीज़? दोस्तों मान लो कि आप जिम गए हैं और जिम जाके 20 किलो का डंबल दोनों हाथ से उठा लिया, ये स्टेमिना नहीं है। इसको आप कितने देर तक होल्ड कर सकते हो, ये है स्टेमिना। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों अच्छे रनिंग के लिए आपके शरीर में अच्छे स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके शरीर में अच्छा स्टेमिना नहीं होगा तो आप लोग जब रनिंग करोगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। आप थोड़ी दूर रनिंग करते ही आपका मन करेगा रुकने के लिए, आपका पैर आगे नहीं बढ़ेगा, आपका सांस फूलेगा। तो दोस्तों स्टेमिना आपके शरीर में इंक्रीज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टेमिना जो है ये मेनली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक आप क्या डेली एक्सरसाइज करते हैं इसके ऊपर, और दूसरा आप डाइट में डेली क्या लेते हैं। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में स्टेमिना बढ़ाने की जो एक्सरसाइज टिप्स है वो बताऊंगा, और जो मेरा दूसरा वीडियो स्टेमिना बढ़ाने की जो डाइट टिप्स, ये मैं जल्दी लाने वाला हूँ। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए आप लोगों के पास। तो चलिए मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज टिप बताने जा रहा हूँ, इनको आप ध्यान से देखिए और आपके एक्सरसाइज में इनको शामिल कीजिए। टिप्स नंबर वन, दोस्तों आप अपना बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना है, मतलब आप पूरे दिन सोते या बैठे हुए नहीं बिताना है, आपको पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहना है। क्योंकि आप अगर पूरे दिन आप सोते या बैठे हुए बिताओगे तो आपका स्टेमिना धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। टिप्स नंबर टू, दोस्तों आपको हफ्ते में दो दिन लॉन्ग रनिंग करना है, जैसे 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और नहीं तो आप 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा तक धीरे धीरे आपको ये लॉन्ग रनिंग करना है। इससे आपको स्टेमिना बहुत ही जल्दी इंक्रीज होगा। टिप्स नंबर थ्री, दोस्तों आप मान लो कि रनिंग कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जैसे आप रनिंग करते करते थक गए या एक्सरसाइज करते करते थक गए, ये थकने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा करना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के करना है। ये आप जितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे आपको स्टेमिना उतना ही बढ़ेगा। जैसे आप रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, आप 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर के बाद आप थक गए, लेकिन ये थकने से आपको रुकना नहीं है, आपको 2 किलोमीटर के बाद और एक्स्ट्रा दौड़ना है, और 500 मीटर आगे जाए, और 1 किलोमीटर आगे जाए। ये जो आप थकने के बाद जितना रनिंग कर रहे हो, ये आपका पूरा स्टेमिना में इंक्रीज होते जा रहा है। टिप्स नंबर फोर, दोस्तों आपको हफ्ते में दो दिन स्प्रिंट का रिपीटेशन करना है। आप 200 मीटर या 300 मीटर का 8 या 10 रिपीटेशन कर सकते हो। आप अगर रनिंग में बिगिनर्स हैं तो आप उस दिन जाते ही 10 स्प्रिंट मत लगा देना, क्योंकि ये आपको फिर शरीर के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप 2 से या 3 से स्टार्ट करके ये आप धीरे धीरे बढ़ा के 10 तक ले जा सकते हैं। टिप्स नंबर फाइव, दोस्तों आपको हफ्ते में दो दिन फाटलेट रनिंग करना है। फाटलेट रनिंग क्या है? आप 200 मीटर फास्ट दौड़े, फिर 100 मीटर आप स्लो दौड़े, 200 मीटर आप फास्ट दौड़े, फिर 100 मीटर जॉगिंग करें। ये दोस्तों आपको 10 रिपीटेशन लगाना है। आप इसको चाहे तो धीरे धीरे बढ़ा के 15 भी कर सकते हो। टिप्स नंबर सिक्स, दोस्तों आपको हार नहीं मानना है। मान लो आप रनिंग करना शुरू कर दिए और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाने के बाद आपका मन नहीं कर रहा है, आपका पैर आगे नहीं बढ़ रहा है, आपका शरीर में जान नहीं आ रहा है, तो दोस्तों तब आपको रुकना नहीं है। आप चाहे तो धीरे धीरे स्लो या जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आप मान लो कि 5 किलोमीटर का आज का टारगेट रखा है, तो आपको धीरे धीरे जॉगिंग करके 5 किलोमीटर आपको पूरा करना है। और इसके अलावा भी दोस्तों आप लोग गेम खेल सकते हो, जो आपका फेवरेट गेम है। तो मैं 2-3 गेम रिकमेंड करूँगा, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। ये गेम में दोस्तों इफ़ोर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप जितना इफ़ोर्ट लगाओगे आपका स्टेमिना उतना ही बढ़ेगा। तो जो इफ़ोर्ट वाला गेम है आप उसको खेलिए, आपको देखना फिर स्टेमिना कैसे इंक्रीज होता है। और लास्ट में दोस्तों आपके बॉडी को रिकवरी भी कराना है,
आप डेली रनिंग कर रहे हो या डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आप अगर आपके बॉडी को रिकवर नहीं करोगे तो आप फिर स्टेमिना नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ, आप रात को खाना खा के जल्दी सो जाइए और 7 से 8 घंटा आपका फुल नींद पूरा कीजिए। तो ये था दोस्तों मेरा कुछ एक्सरसाइज टिप्स, आप इनको आपके एक्सरसाइज में डेली शामिल करें और देखना आप 15 दिन बाद इसको अगर डेली फॉलो करेंगे तो आप 15 दिन बाद देखना आपके रिजल्ट कैसे होता है। आपका जब आप रनिंग करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरा स्टेमिना पहले से बड़ा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। मेरा आने वाला वीडियो स्टेमिना बढ़ाने की डाइट टिप्स मैं जल्दी लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, हिट रहिए। जय हिंद।